मैं बात करने वाला एक बेहतरीन से प्लान के, जो कि बहुत ही स्मॉल हाउस प्लान है और एक लेकिन बेहतरीन से आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर जो मैंने चीज़ें क्रिएट की हैं वो आपके मुताबिक ही क्रिएट की हैं। एक लो बजट हाउस प्लान है, अगर आपका बजट कम है और आप एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं तो वो आप मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। ये पूरा मॉडल जो आप देख रहे हैं फ्रंट एलिवेशन के साथ साथ ही साइड में, ये पूरा मैंने वेल डेकोरेटेड क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर आपका जो स्पेस है वो पूरा ही है। आप चाहे जो भी चाहे मैं बता दूंगा आइडिया कि आप कहाँ पर क्या एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। छोटा सा प्लान, बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार। मैं हूं उमन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। और दोस्तों, जो प्लान आज का है वो उसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये पूरा प्लान इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको उसका रियलिस्टिक व्यू दिख सके। जो जो मैंने चीज़ें क्रिएट की हैं, यहाँ पर ग्रिल, ऊपर गेट, आपका विंडो नॉर्मल सा है, और ये आपका देखिए टीन टाइप का जो देख रहे हैं, टीन जैसे गांव में रखते हैं छज्जा टाइप का, वो मैंने एक दिया है। एक बेहतरीन सा मॉडल आपके साथ होने वाला है। तो अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, और जो कि इसका साइज़ मैंने बताया 12 फिट इसकी चौड़ाई है और लंबाई वही 24 फिट है। तो इस ग्राउंड पर एक मैंने सबसे पहले मेन डोर दिया है, जहाँ से आप एंट्री करेंगे उसके जस्ट साइड में विंडो है नॉर्मल सा, इससे एंट्री करेंगे। और इसका ये जो टेक्सचर दिया है, ये देखिए लाइनिंग वाला टेक्सचर मैंने यहाँ पर दिया है। तो अब जैसे यहाँ से एंट्री करते हो तो आप सीधा आ जाते हैं घर के अंदर, और घर के अंदर मैंने देखिएगा बहुत ही आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपका किचन एरिया है, ये आपका लेटरिन बाथ एरिया, लेटरिन बाथ आप अपने स्टेयर्स के नीचे से एक्सेस करेंगे इधर से, और ये आपका किचन। इसके बाद ये पूरा आपका हॉल रहेगा, अगर पूरा एज अ रूम इसे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आपके आगे थोड़ी सी एज अ पार्किंग भी इस्तेमाल कर, बाइक वगैरह तो आप एक पार्क कर सकते हैं, और ये आपकी स्टेयर जहाँ से आप ऊपर जाएंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर क्रिएट नहीं की इसके कारण, क्योंकि अगर मैं क्रिएट करता तो आपको स्पेस नहीं दिखता, और जो कि स्पेस काफ़ी कम है। आप भी जानते हैं 12x24 फुट कोई स्पेस नहीं होता, लेकिन अगर आप इस टाइप के ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं तो आपका स्पेस दिखेगा। ये किचन, ये आपका किचन हो गया, बगल में लेट एंड बाथ ये वाला हो गया, जो कि स्टेयर्स के नीचे से आप जाएंगे किचन में डायरेक्टली इंटर करूँ, ये आपका एज एक बेडरूम आप इस्तेमाल। तो ये तो उसका ग्राउंड फ्लोर हो गया, जो कि बहुत बेहतरीन से डेकोरेटेड मैंने यहाँ पर जो डीएस की वॉल वगैरह क्रिएट की है। वहीं फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, मैं ऊपर आपको पहले दिखाता हूँ। वहीं पर देखिए मैंने यहाँ पर जो आगे का स्टेयर्स के आगे जो स्पेस था ग्राउंड फ्लोर, उसी को मैंने छज्जा बना दिया है, आपका बालकनी बना दी, बाल भाई पूरा सेम वही किचन लेट बाथ स्टेयर्स, ये आपका एज आ बेडरूम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इस वाले बेडरूम डोर से निकल कर आप एज अपनी बालकनी भी बेहतरीन से इस्तेमाल कर पाएंगे। बालकनी का देखिए कि ब्लैक कलर का रेलिंग मैंने दिया, ग्रिल और दो पिलर खड़े कर यहाँ पर एज अ टीन सेट मैंने दे दिया है, जो कपरेल आप इसे बोलते हैं, तो जो ये आपके घर को एक नया लुक देता है। लास्ट में ये छत को मैंने ढक दिया, बाउंड्री वगैरह मैंने यहाँ पर नहीं क्रिएट की है। ये आपकी रिक्वायरमेंट, चारों तरफ बाउंड्री वॉल क्रिएट कर ले, अपना रेलिंग क्रिएट कर ले और स्टेयर्स वगैरह। तो ये पूरा एक छोटा सा प्लान, स्मॉल हाउस प्लान था, कम पैसों में अगर आप चाहते हैं अपना एक घर इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। आपका बजट बहुत ही कम है तो आसानी से लगभग ये आपका 250 स्क्वायर फिट एरिया है, तो आप बेहतरीन से केवल वॉल ही हैं, ना ज़्यादा गेट है, ना विंडो वगैरह कुछ भी मैंने इसमें नहीं किया है कि सबसे लो बजट का ये प्लान हो सके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।